अगर कोई खिलाड़ी तमाम तरह की योग्यताओं और प्रतिभाओं के साथ मुफलसी में जीने के लिए मजबूर है, गरीबी में जीने के लिए मजबूर है और गुजर बसर करने के लिए टायर पंचर की दुकान लगाता है तो इसे आप क्या कहेंगे। दरअसल बिहार में जो खेल प्रतिभा है उसके साथ ही खेल हो गया है और ये बात किसी से नहीं छुपी है कि जो बिहार सरकार है और बिहार में जो युवा कला और संस्कृति विभाग है उसने प्रतिभावान खिलाड़ियों को उसके हाल पे छोड़ दिया है, भगवान भरोसे छोड़ दिया है। जिस पंक्चर की दुकान में हम मौजूद हैं ये कोई ऐसा नहीं कि ये कोई जो है सामान्य आदमी की ये दुकान है, बल्कि ये एक दुकान एक ऐसे शख्स की है जिन्होंने खो खो के खेल में बिहार का जो परिचय है, बिहार का जो लोहा है पूरी दुनिया से मनवाया है और ना केवल बिहार बल्कि इन्होंने देश विदेश में और भारत के अलग अलग हिस्सों में जाकर खो खो के क्षेत्र में बिहार का प्रतिनिधित्व किया है। हमारे साथ इस वक्त जो है मोहम्मद मंसूर है और मोहम्मद मंसूर का जो है एक बढ़िया एक शानदार रिकॉर्ड रहा है, लेकिन मंसूर जो आलम जो है वो जो है फिलहाल जो है पंक्चर की दुकान लगाते हैं क्योंकि गुजर बसर करने के लिए उनके पास कोई दूसरा साधन नहीं है। ये है मोहम्मद मंसूर, आप देख सकते हैं अच्छी कद काठी के हैं और जो खो खो खेल जो होता है उसमें इन्होंने बिहार की प्रतिभा को पूरी दुनिया में पूरे भारत में मनवाया है, लेकिन बावजूद आज जो है ये अपने गुजर बसर करने के लिए ये जो है इनकी पंक्चर की दुकान है और पंक्चर की दुकान पर ये काम करते हैं। ये बताइए कि आपका जो है वो सफ़र कब से शुरू हुआ था खो खो खेल का? खो खो खेल का सफ़र हम लोग का 2001 से स्टार्ट हो गया था। अच्छा, हाँ। जी जी, स्कूल लाइफ में जब रजा स्कूल में पढ़ते थे उस समय से स्टार्ट हुआ। अच्छा, हाँ। जी 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 जी, हम लोग पटना साइंस कॉलेज में ग्राउंड था, पटना साइंस कॉलेज में तो वहीं से प्रैक्टिस करना शुरू किए थे। अच्छा। जो हमारे गुरुदेव संजय कुमार हैं जो DAV BSV पुनाईचक में कार्यरत है फिजिकल टीचर के रूप में, फिजिकल टीचर के रूप में वो कार्यरत है। ये बताइए कि आप कहाँ कहाँ खेले हैं और कहाँ कहाँ आपने बिहार का जो है अपने? मैं तो बिहार का 18-19 बार बिहार रिप्रेजेंट कर चुके हैं जो नेशनल में, बहुत सारे नेशनल भी खेले जिसमें बिहार का रिप्रेजेंट किए हैं। 2018 में भारत का प्रतिनिधित्व किए थे। जी जी, 2018 में भारत का जो अपने खो खो में गोल्ड मेडल भारत को दिलाया था। अच्छा, देखिए खो खो खेल में इन्होंने भारत को गोल्ड मेडल दिलाया था, भारत को जो स्वर्ण पदक जो मिला था 2018 में वो इसी मोहम्मद मंसूर की वजह से मिला था, लेकिन मोहम्मद मंसूर जो है वो खुद जो है आज जो है जो पंक्चर की दुकान है वो लगाते हैं, उसमें काम करते हैं। खो खो खिलाड़ी हैं मोहम्मद मंसूर, उनको किसी परिचय की ज़रूरत नहीं है, लेकिन चूंकि इन्हें सरकारी नौकरी नहीं मिल पाई लिहाजा अब जो है ये जो पंक्चर की दुकान है वो वहाँ पे वो ये उनकी अपनी दुकान है और यहीं पर काम करने के लिए मजबूर हैं। आपके मन में ये सवाल हो रहा होगा कि आखिर मोहम्मद मंसूर ने कौन कौन सी जो प्रतियोगिता है उसमें आप इन्होंने हिस्सा लिया है और न केवल हिस्सा लिया है बल्कि बिहार का नाम भी रोशन किया है। मंसूर जी, आप ये बताइए कि आपने कौन आप जो है आपने किस किस खेल में हिस्सा लिया है? मैंने खेल नहीं, मेरा खो खो खेल इंडिविजुअली खो खो खेल है। हाँ, उसी में मैंने 16-17 नेशनल भी खेला जिसमें बिहार का रिप्रेजेंट किया, 2018 में भारत का प्रतिनिधित्व किया। जी, प्रतिनिधित्व किया है। ये इनके हाथ में देखिए ये लिखा हुआ है, देखिए ये इंडिया वर्सेज नेपाल फिफ्थ टेस्ट मैच 2018 मेन, ये पटना में ये हुआ था और इनको जो है ये देखिए साफ साफ भारतीय खो खो संघ और ये जो है रजिस्टर्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स स्पोर्ट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत सरकार में जो युवा खेल मंत्रालय है उसने जो ये इस प्रतियोगिता का आयोजन जो कराया था उसमें से इन्होंने शानदार प्रदर्शन किया था। ये इनके गले में जो है आप देख सकते हैं ये इन्होंने इनको मेडल मिला था। ये क्या पहला स्थान आपने हासिल किया था? ये देखिए पहला स्थान जब इन्होंने हासिल किया था तो इनको ये मेडल जो है 2018 में पहनाया गया था। केवल एक उपलब्धि जो है मोहम्मद मंसूर के नाम पर नहीं है बल्कि कई उपलब्धियों का जो है खजाना इनके पास है। ये देखिए दूसरा जो है हमारे पास ये देखिए ये जयपुर में साल 2019 में 24 मार्च 2019 से लेकर 28 मार्च 2019 को राजस्थान की राजधानी जयपुर में इस प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था जिसका नाम है, क्या नाम है इसका? सीनियर नेशनल
हाँ देखिए, जिसका नाम है 52वीं सीनियर नेशनल खो खो चैंपियनशिप 2018-19। ये जो जयपुर में जो इसका आयोजन हुआ था, यहाँ पे भी इन्होंने शानदार प्रदर्शन किया था और खुद इनके नाम का जो है प्रमाण पत्र जो है वहाँ पे जारी किया गया था। ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती है, बल्कि इसके अलावा ये देखिए एक बार फिर से देखिए, जो है साल 2017 में महाराष्ट्र में एक जिला है कोल्हापुर, वहाँ पे जो है वहाँ पे ये हुआ था 51वीं सीनियर नेशनल खो खो चैंपियनशिप 2017-18 मेन एंड वुमेन। ये भी जो है देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, रिकॉग्नाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आप समझिए, यहाँ पे भी इन्होंने मोहम्मद, यहाँ पे लिखा हुआ है मोहम्मद मंसूर आलम और यहाँ पे इनका लिखा हुआ है रिप्रेजेंटेटिंग बिहार, यानी मोहम्मद मंसूर आलम ये बिहार के खिलाड़ी हैं और यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन्होंने यहाँ पे शानदार प्रदर्शन किया है। ये आपका 2017 में महाराष्ट्र में इस प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था। जैसा कि हमने आपको बताया था कि बिहार में जो अलग अलग जो विभाग हैं वहाँ पे सरकारी नौकरी में जो उत्कृष्ट जो खिलाड़ी होते हैं उनको नौकरी दी जाती है। हमारे पास ये देखिए एक विज्ञापन निकला था और विज्ञापन में लिखा हुआ है, बिहार उत्कृष्ट खिलाड़ियों की ग्रुप सी ग्रुप डी पद पर नियुक्ति हेतु आवश्यक निर्देश। राज्य सरकार सामान्य प्रशासन विभाग ने ये निकाला था और ये जो नौकरी जो निकली थी 2 अप्रैल 2011 में भी निकली थी ये नौकरी। साफ तौर से आप इसे देख सकते हैं कि लिखा हुआ है इसमें, देखिए क्या लिखा हुआ है। देखिए बिहार सरकार उत्कृष्ट खिलाड़ी चयन प्रतियोगिता है जिसमें इनका होना था 2011 में, इन्होंने इसके लिए आवेदन भी किया था। पूरे 11 साल बीत गए लेकिन अब तक जो है इनकी नौकरी नहीं हो पाई। आप समझ सकते हैं ये टोटल जो कितने पोस्ट हैं इसमें शायद दिया हुआ है, कितने पोस्ट के लिए नौकरी थी कितने पोस्ट खाली है। लेकिन खुद कई बार बिहार सरकार के में जो खेल मंत्री है वो उस वक्त कहते थे कि हर साल हर खेल में कम से कम 5 खिलाड़ियों को जो है वो उसको नौकरी दी जाएगी। इन्होंने इसके लिए अप्लाई भी किया था, देखिए तो यहाँ पे है, इन्होंने बाकायदा ये आवेदन उन्होंने अप्लाई किया था, ये ऑफलाइन आवेदन था, मोहम्मद मंसूर आलम करके लिखा हुआ है, इन्होंने आवेदन भी दिया था। 2011 से लेकर 2022 के बीच में बिहार में जो है दो चुनाव हुए, 2015 में चुनाव हुए, 2020 में चुनाव हुए, देश में दो लोकसभा चुनाव हो गए, सरकारें बदल दी गई, सरकार बदल गई लेकिन नहीं बदली तो खिलाड़ियों की किस्मत। आप समझ सकते हैं कि एक खिलाड़ी क्या कर सकता है, कोई भी युवा क्या कर सकता है। युवाओं के लिए नौकरी में हिस्सा लेना ये उनके बस की बात होती है, नौकरी सृजन करना ये युवाओं के बस की बात नहीं होती है। सरकारी नौकरी का सृजन करना ये सरकार का काम होता है, अलग अलग जो विभाग होते हैं उसका काम होता है। जो खिलाड़ी है उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी, हर तरह से योग्यता है। अगर आज भी बिहार सरकार अपनी पॉलिसी पर अमल करे तो मंसूर आलम जैसे जो खिलाड़ी हैं वो किसी न किसी विभाग में ग्रुप सी और ग्रुप डी में जो है वो काम कर सकते हैं, वो सरकारी नौकरी कर सकते हैं। वेतन मायने नहीं रखता है, मायने रखता है कि कोई उन्हें स्थायी ठौर ठिकाना मिल जाएगा। ये जो आप देख रहे हैं कि इन्होंने अप्लाई किया था मंसूर जी ने, बकायदा इन्होंने भारतीय डाक से ये आवेदन इन्होंने भेजा था। और कब भेजा था ये देखिए, ये कब भेजा था आपने, ये 2019 की बहाली थी, उस वक्त भी इन्होंने भेजा था और कुछ भी नहीं हुआ, चीज़ें बदलती चली गई, ठीक है, लेकिन कुछ भी इनके साथ अच्छा नहीं हुआ। और कह सकते हैं कि सरकार ने एक प्रकार से जो है, देखिए ये भारतीय खो खो संघ की तरफ से ये निकाला गया था, ये इनका जो है जो सर्टिफिकेट है, इनका सर्टिफिकेट जो है पूरी तरीके से मान्य है। और इसकी निशानदेही क्या है, इसके निशानदेही है कि भारतीय जो खो खो संघ है, खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया, उन्होंने एक लिस्ट जारी की थी और उस लिस्ट में ये मंसूर आलम भी थे। लेकिन सरकारी नौकरी की जो लिस्ट होती है, जब सरकार जो फाइनल जो लिस्ट जारी करती है, जो अंतिम सूची जारी करती है, आज तक उस सूची में
मोहम्मद मंसूर का नाम नहीं आ पाया। मंसूर जी, एक आखिरी आपसे रिएक्शन लेना चाहेंगे, ये क्या हुआ आपके साथ? क्या कभी सोचा होगा जब आप देखते होंगे कि जब आप पोडियम पे खड़े होते होंगे, आपके नाम की घोषणा होती हुई होगी कि मोहम्मद मंसूर ने खो खो में प्रथम स्थान हासिल किया, तो आपको कैसा लगता था? और कभी सोचा था कि ऐसे भी दिन आएंगे क्या? हम लोग को तो काफ़ी उम्मीद थी कि हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, राज्य स्तरीय स्टेट लेवल, उसका नेशनल इंटरनेशनल भी खेला, हम लोग को उम्मीद लगा कि नहीं हम लोग को बिहार सरकार एक देगी, अब बड़े खेल लिए। मगर आज बहुत यह है, मगर आज भी उम्मीद हम लोग लगाए हुए हैं माननीय मुख्यमंत्री, माननीय खेल मंत्री से कि हम लोग को उचित रोजगार मिलेगा। जी जी जी। तो एक खिलाड़ी के लिए सम्मान होता है, एक खिलाड़ी के लिए उसके रोजी रोटी जरूरी होती है, लेकिन दुर्भाग्य से बिहार में ऐसा नहीं हो सका है। क्या पसंद आना तो जय के साथ प्रीतम कुमार, जी मीडिया, पटना।